गाइस GTX 1050 को लेकर एक कन्फ्यूजन जो कि तुम्हारे दिमाग में सबसे ज़्यादा रहती है वो ये है, GTX 1050 में तुम्हें 2GB की VRAM मिलती है और तुम ये सोचते हो यार इस ग्राफिक्स कार्ड में हमें 2GB की VRAM मिल रही है, इससे अच्छा तो हम Ryzen 3 3200G ले लेंगे या फिर Ryzen 3 Pro 4350G ले लेंगे, बिकॉज इन दोनों ही APU में तुम्हें 2GB की इंटीग्रेटेड VRAM मिल जाती है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बट देखो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है, बिकॉज तुम GTX 1050 जो कि एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है उसे एक APU से कंपेयर कर रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। GTX 1050 ना अगर तुम उसे 5600G से भी कंपेयर करोगे, स्टिल GTX 1050 5600G से भी आपको बेटर गेमिंग करवा के दे देता है, बिकॉज वो एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है। तो गाइस कभी भी एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड को किसी भी एपीयू से कंपेयर मत करना, भले ही आप लेटेस्ट जनरेशन के एपीयूज की बात कर रहे हो, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड जैसे कि हमारा GTX 1050 है ये आपको सभी एपीयू से बेटर गेमिंग करवा कर दे देते हैं। तो अब अगर आप एक ग्राफिक्स कार्ड परचेस करने की सोच रहे थे ना, भले ही आपको GTX 1050 परचेस करना हो, तो यार जाओ और GTX 1050 जैसा ग्राफिक्स कार्ड भी परचेस कर लो। ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ना आज भी आपको GTA 5 जैसे गेम्स 1080p सेटिंग्स पर इजीली प्ले करवा देता है और आपको अराउंड 80+ FPS इजीली मिल जाते हैं।